दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी आज रिलीज हो चुकी है जो कि सिक्वल मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लव स्टोरीज के बारे में। इस मूवी का पार्ट टू आज रिलीज हो चुका है। काफी समय से मतलब सुबह से ही सब वेट कर रहे थे। मूवी की ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे 10 मिनट के आसपास देखने को मिल रही है और इसी ड्यूरेशन में 4 स्टोरीज फिट कर दी गई है। तो कौन सी स्टोरी ज्यादा बेटर है और आपके काम की कौन सी स्टोरी होने वाली है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बात दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो 4 स्टोरीज बताई गई है ये एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर की भी एक टेस्टिंग होती है और काइंड ऑफ उनके बीच में कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, जो कि मोस्ट एकदम जो डायरेक्टर होता है अपनी फिल्म मेकिंग से किस तरीके से अपने एक्टर्स को जो है निखारता है दोस्तों, वो इस इन स्टोरी में नजर आता है। सबसे पहले स्टोरी हमें देखने को मिली है दोस्तों हमारी नीना गुप्ता और मृणाल ठाकुर की। भाई नेक्स्ट लेवल स्टोरी, जहाँ पर हमें कॉमेडी भर भर के देखने को मिल रही है और ये इसका जो सारा श्रेय है वो जाता है नीना गुप्ता को। नो डाउट ये बहुत अच्छी कॉमेडी करती है, हम बधाई हो मूवी में भी देख चुके हैं। तो दोस्तों हाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आपको कॉमेडी जो है मेन इसी स्टोरी में पहली स्टोरी में देखने को मिलेंगी, जो कि दोस्तों मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता के बीच में, जहाँ पर वो और भी ज़्यादा खुलकर दोस्तों सारी चीज़ें बताती है। तो आप जाकर सीधा मूवी देखो क्योंकि भाई नेक्स्ट लेवल है। दूसरी स्टोरी में हमें दोस्तों और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिले, जहाँ पर घर की दोस्तों जो वर्कर होते हैं उनके साथ में चीज चलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दोस्तों जो मैं बिल्कुल आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मूवी और स्टोरी बहुत ज़्यादा एकदम ही ज़्यादा खतरनाक है। तीसरी स्टोरी दोस्तों हमें देखने को मिलती है कोंकणा सेन शर्मा, जो कि मोस्ट एकदम डायरेक्टर है। उन्हें दोस्तों हम मोस्टली हम देखते हैं मूवीज वगैरह में एक्टिंग करते हुए, लेकिन इस बार इनकी डायरेक्शन देखो आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें भी स्टोरी बहुत ज़्यादा सुपर दिखाई गई है, जो कि दोस्तों हमारे तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की है। और ये स्टोरी के लिए दोस्तों मुझे लग रहा था कि बहुत लोग वेट कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, इस स्टोरी से अच्छी इन स्टोरी से अच्छी आपको और भी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी लगने वाली है। लेकिन दोस्तों बात करें इसके बारे में, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिला। तो दोस्तों हाँ बहुत अलग अलग प्रकार की इसमें डिजायर वाली जो कहानी है ज़्यादातर देखने को मिली है। और दोस्तों चौथी स्टोरी में हमें काजल मैम की देखने को मिलती है, जो भाई सबसे ज़्यादा सुपर बोलूंगा मुझे और सबसे ज़्यादा आपको वही पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी कुछ अलग तरह का कंटेंट दिखाने की कोशिश की गई है। स्टोरी दोस्तों कुछ है नहीं वैसे, अगर मैं आपको स्पॉइलर दे दूंगा तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन मैं बोलूंगा भाई अकेले ही देखना। बात करें दोस्तों ओवरऑल मूवी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सुपर बनाई है। इसी वजह से दोस्तों इस मूवी का जो पार्ट वन आया था उसे भी जो एमी अवार्ड होता है दोस्तों इंटरनेशनल अवार्ड, उसके लिए नॉमिनेटेड किया गया था। और मुझे लग रहा है कि ये भाई ये मूवी भी किसी से कम नहीं है और स्टोरीज बहुत सुपर है, आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।